लोग आज हम जाने वाले थे राइड पे, पर जो हमारे साथ बंदे आने वाले थे खत्म, बाय बाय। हम लोग आज हम जाने वाले थे राइड पे, पर जो हमारे साथ बंदे आने वाले थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो हम निकले थे। और वैसे आज संडे है तो बहुत सारे लोग राइड करने आते हैं, तो देखते शायद कोई मिल जाए तो उनके साथ राइड करेंगे, नहीं तो फिर घर मिलते हैं। चलो फिर तो भाई लोग चलते हैं और देखते हैं यार कोई मिले तो मज़ा आएगा उनके साथ राइड वगैरह करने में, बस मिल जाए भोले बाबा की। आज अभी कोई दिख तो नहीं रहा राइड वगैरह करते हुए, वैसे डेली 7:30-8 बजे के आसपास बाइक वगैरह लेके सब निकलते थे। और एग्जॉस्ट तो इनके इतने ख़तरनाक होते हैं भाई, घर तक आवाज़ आती है हमारे, तो यही सोच के मैं निकला था। और देखते हैं फिर कोई मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई बीच रोड पे पड़ा था पत्थर, पागल हो जाएगा ये। तो ये रही झील, और अगले व्लॉग हम यहाँ पे भी लाके आएंगे बोटिंग का। तो ये है वो ब्रिज जहाँ पे हम लोग उतरते हैं कॉलेज आते टाइम। भाई ये तो फुल लहरा रहा है बंदा ग्रामीण सेवा पे। बट आज यहाँ कोई बस नहीं रुकी क्योंकि कॉलेज से छुट्टी है, तो यहाँ पे रुकने से रही जाएगी भाई। तो सामने ही अपना कॉलेज, कई लोग यहाँ तो आज कोई राइडिंग और राइडर्स दिख ही नहीं रहे, क्या हो रहा है जी। क्योंकि हम थोड़ा लेट से निकले थे क्योंकि 8 बजे के बाद ही सब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई चल रहे थे हम सिग्नेचर की तरफ, सुबह लीन करके देखेंगे। तो फाइनली वी आर कम टू सिग्नेचर, यहाँ का भी कुछ ऐसे ही लग रहा है सन्नाटा सा, यहाँ भी कोई दिख तो रहा नहीं है भाई। कोई नहीं देख पाया। बहुत ही लंबा है इधर का टर्न, वैसे मैं सर पहली बार आया हूँ तो इसलिए इधर का मुझे पता नहीं है। सो वी आर फाइनली बैक टू, आई थिंक इसके ऊपर भी कैमरे लग रहे हैं, यमुना रिवर के ऊपर जिसके ऊपर ये पुल बना है। इस पुल पर खड़े होंगे भाई साहब तो ब्रेक मारता है भी। इसके नीचे यमुना पार्क भी है, सॉरी सिग्नेचर पार्क है। हम आ गए शायद गलत, ये पार्क में आए थे परसों। हाँ सही है, ये भी बैठने वगैरह आराम से। यार हम गलत आ गए, हमें जाना पड़ेगा ऊपर वापस से।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैं फंस गया, मैं फंस गया। तो भाई आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई हम रुक गए थे इसलिए कि शायद कुछ राइडर्स वगैरह मिले जिनके साथ हमें राइड करने का मौका मिले, बट ये चीज़ तो मैंने देख ली, अगर इधर मैं राइड करने के लिए किसी के साथ जाता हूँ तो कोई मिलने वाला तो नहीं है। तो भाई नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे परी चौक, नोएडा परी चौक, वहाँ पर तो राइडर्स मतलब डेली का तो पता नहीं, बट संडे ज़रूर आते हैं, क्योंकि जब मैं जा रहा था लास्ट टाइम यूपी जा रहा था तो मैंने देखे थे वहाँ पे बहुत सारे राइडर्स वगैरह थे जो कि इकट्ठा होते हैं, फिर ग्रुप में निकलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा उधर ही जाने की। और भाई ये रोड तो बिल्कुल खच्चर हो रहा है, झटके लग रहे हैं हाथ में यार। इस वीडियो में मैं आपको खाली यही सीख देना चाहता हूँ, इस वीडियो से आपको एक ही सीख मिलेगी कि भाई अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखो, नहीं तो कहीं पे भी सामना हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, फुल केयरफुली चलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेफ राइड सेफ लाइफ। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए अब।